दोस्तों मैं जागरूक दत्त आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्न टू टर्न में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, चालान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बाकी सवाल जो है वो सारे के मन में आते ही होंगे, आपके भी मन में आते ही होंगे, तो वो सारे सवाल जो है हम इस वीडियो में जो है वो कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी जो आईडी आ रही है उस पर जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो जो है वो ध्यान से देखिए और हर एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार हमें चालान दिया जा सकता है और किस प्रकार हमें चालान नहीं दिया जा सकता है, हमारे पास क्या क्या हमारे राइट्स होते हैं उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में जो है वो एकदम शॉर्ट में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबके मन में रहने वाला सवाल ये है कि क्या हम हमारे मोबाइल फोन में रहने वाला हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो या फिर आरसी बुक का फोटो या फिर इंश्योरेंस पेपर का फोटो हम क्या ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं और वो क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे? तो दोस्तों इसका सरल शब्दों में आंसर है नहीं। हमने खींचे हुए ड्राइविंग लाइसेंस के फोटो या फिर आरसी बुक के फोटो जो है वो ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको हमारा ट्रैफिक नियम तो पता ही होगा कि ड्राइविंग करते वक्त या फिर बाइक राइड करते वक्त हमारे पास हमारा ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक की कॉपी और उसके साथ साथ ओरिजिनल इंश्योरेंस पेपर और ओरिजिनल पीयूसी होना जरूरी है। इनमें की कोई भी चीज अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होती, वो अगर एक्सपायर हुई है, तो आपको ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान दे सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अभी जो ऐप आए हैं डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप, उनमें अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को लिंक करवा ले और आरसी बुक को जो है वो लिंक करवा दे, तो वो जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो एक्सेप्ट कर देते हैं, क्योंकि ये ऐप जो है वो गवर्नमेंट मान्य है। ई फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करने का रूल भी हमारे यहाँ पर लागू हुआ है। लेकिन आप नॉर्मल हमारे मोबाइल फोन में खींचे हुए फोटोज नहीं दिखा सकते, आपको अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस जो लिंक किया हुआ है डिजी लॉकर में या फिर एम परिवहन ऐप में, वही आप दिखा सकते हो। लेकिन इनकेस अगर आप कोई रूल जो है वो ब्रेक कर देते हो, वायलेंस कर देते हो, तो ऐसे वक्त आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि वो जो है वो उसे जब्त कर लेंगे और आपको फाइन जो है वो दे देंगे। दोस्तों मैंने एक ट्वीट पढ़ा था ट्रैफिक पुलिस का, बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस का, वो कुछ इस प्रकार है, जिसकी उन्होंने कहा कि आपको अपना जो है वो ओरिजिनल इंश्योरेंस कैरी करना काफी ज्यादा जरूरी है, और उसके साथ साथ हम डिजी लॉकर और एम परिवहन के डीएल और आरसी बुक जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आप कोई वायलेंस करते हैं तो ऐसे वक्त आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उस पर फाइन लगा दे और उसे वो जब्त भी कर सकते हैं। और दोस्तों सेकेंड बात आती है, सेकेंड सवाल ये आता है कि आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास आरसी बुक भी है, आपके पास इंश्योरेंस पेपर भी है, लेकिन वो आपके साथ कार में नहीं है या फिर आपके बाइक में आपके साथ नहीं है जब आपको ट्रैफिक पुलिस जो है वो पकड़ लेते हैं, और ना आपने डिजी लॉकर में उसे लिंक करवा कर लिया हुआ है, तो ऐसे वक्त अगर ट्रैफिक पुलिस जो आपको फाइन देती है वो क्या भरना जरूरी है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक और इंश्योरेंस पेपर है लेकिन घर पर है, तो आपको 15 दिन की लिमिट दी जाती है, 15 दिन की अवधि दी जाती है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस, वो आरसी बुक और वो जो इंश्योरेंस पेपर है वो जाकर आप आरटीओ ऑफिस में दिखाइए, तब आपको जो है वो चालान जो है वो माफ किया जाता है। लेकिन पर पेपर आपको 100 रुपीज चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि आपने वो अपने कार में कैरी नहीं किया गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो उसके अलग से 100 रुपीज, और आरसी बुक भी नहीं था तो उसके अलग से 100 रुपीज चार्ज जो है वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप जो भारी चालान कटा हुआ है वो पे करने से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर और आरसी बुक जो है वो चालान कटने के पहले के डेट के रजिस्टर्ड होने चाहिए। चालान कटने के बाद के डेट के रजिस्टर रहेंगे तो इसका मतलब कि आप विदाउट वो पेपर ही ड्राइविंग कर रहे थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से जो है वो मदद होगी होगी। दोस्तों हम फोटोकॉपी जो है वो बिल्कुल भी ट्रैफिक पुलिस को नहीं दिखा सकते और वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, इसलिए अभी जो है वो डिजी लॉकर में अपने जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो लिंक करवा कर ले लीजिए, एकदम ईजी है। आपको सिर्फ प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड करना है और अपने जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ लिंक करवा कर ले लें। लेकिन दोस्तों ट्रैफिक रूल मत भूलिए, हमारे पास जो है ड्राइविंग करते वक्त हमेशा ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, उसके साथ साथ
आरसी बुक की कॉफी और उसके साथ साथ इंश्योरेंस पेपर ओरिजिनल पीयूसी ओरिजिनल होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से जो है वो मदद होगी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उन्हें भी इससे मदद हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको हमेशा कहता रहूंगा कि हमेशा ड्राइविंग करते वक्त ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, हमेशा ड्राइविंग करते वक्त अपने मोबाइल से दूर रहिए और हमेशा ड्राइविंग करते वक्त अलर्ट रहिए।